कटिहार नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 41 और 42 के बीच की मुख्य सड़क जो शरीफगंज से सेमापुर को जोड़ती है, ये सड़क छोटी तालाब में तब्दील हो चुका है। इस सड़क से रोजाना हजारों वाहनों का आवागमन होता है, इसके बावजूद सड़क की मरम्मती को लेकर नगर निगम के तरफ से कोई उपाय नहीं किया गया है। जो है ना, आए दिन बराबर घटना होता ही है, देख रहे हैं सामने गाड़ी पलट गया है, कई बार टेम्पू पलट गया है, बच्चा सब मरने से बच रहा है। 3.5 से 4 फीट के आसपास गड्ढा है, ये नगर निगम के बजाय नर्क निगम बना हुआ है। इतना हम लोग को परेशानी हो रहा है जिसका कोई हद नहीं है। और नेता लीडर लोग भी आते हैं वोट के बारे में बोल रहे हैं, नहीं वोट ऐसे नहीं देंगे, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। आप लोग का घर यहीं है? हाँ, मेरा घर यहीं है, शरीफगंज नाइटला में। कौन सा जगह है ये? शरीफगंज नाइटला है, 41-42 के बीच में ये रोड है, जो मुख्य रोड है सेमापुर गया हुआ। आप क्या नाम है आपका? गोपाल प्रसाद साहब। कब से ये रोड खराब है? ये रोड बहुत सालों से ही खराब है। इस मामले को लेकर बताया वार्ड कमिश्नर वगैरह किसी? सब जानते हैं। कितना गड्ढा है यहाँ? यहाँ बहुत सारा गड्ढा, एक कमर भर हो गया। ये सड़क जाता कहाँ है? सेमापुर। सेमापुर का मुख्य मार्ग यही है जी। सेमापुर बहुत दूर दूर तक जाता है रोड। कितना नंबर वार्ड पड़ता है ये? 41-42 दोनों है। अक्सर ऐसा घटना होते रहता है? हाँ, होते रहता है। और कुछ अभी ऐसा घटना हुआ है पहले? हाँ, इससे पहले भी कुछ गाड़ी वाड़ी सब आया था, उलट पुलट जाता है, फंस जाता है, अच्छा बच्चा सब साइकिल से आता है उलट जाता है, गिर जाता है, पैर हाथ टूट जाता है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? बस आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोले हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन होता नहीं, होता नहीं है। क्या नाम है आपका? एमडी सिंह। यहीं का निवासी है आप जी? नवगछिया रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के रंगरा 3 टांगा पीडब्ल्यूडी पथ पर रंगरा गांव के समीप एक सड़क हादसे में डुमरिया निवासी दैनिक भास्कर सह के तेज तर्रार रंगरा के पत्रकार चंद्रशेखर सुमन की पत्नी अंजनी देवी की मौत हो गई है, जबकि पुत्र गुड्डू कुमार घायल है। घटना के बाद मौके पर पहुंची रंगरा पुलिस ने सबको जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है, जहां से देर रात सबका पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज कर ली गई है। घटना के बाद से पत्रकार का पूरा परिवार सदमे में है। नवगछिया अनुमंडल पत्रकार संघ ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और आहत करने वाला बताया है। कई पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने घटना की बाबत शोक संवेदना व्यक्त किया है और पीड़ित पत्रकार की आवाज पर पहुंचकर संतावना भी दी है।